हाय फ्रेंड, दिस इज आसिम। यू मे कॉल मी प्रिंस फ्रॉम लॉ फैकल्टी डी यू। आज मैं डिस्कस करूंगा कंपनी लॉ का एक लैंडमार्क केस है, सॉलमन वर्सेस सॉलमन एंड कंपनी लिमिटेड, 1897 का केस है। ये जो केस है वो वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी पे बेस्ड है। वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहता है कि कंपनी और उसके जो मेंबर होते हैं, मेंबर यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर उसके एस्टेब्लिशमेंट करने वाला जो पर्सन होता है, वो दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, और कंपनी के किसी भी फॉल्ट के लिए उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर उसका मेंबर या फिर उसका एस्टेब्लिशमेंट करने वाला जो पर्सन है वो लायबल नहीं होगा। अब आते हैं इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे। इस केस का फैक्ट है कि एक सॉल्वन रहता है जो एक बिजनेसमैन होता है, लेदर मर्चेंट का। वो एक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करता है जिसमें टोटल 7 मेंबर होते हैं। एक तो वो खुद मेंबर होता है और 6 जो मेंबर होते हैं उसके अपने ही फैमिली मेंबर ही होते हैं, और टोटल पेड अप कैपिटल जो है उसका 40,000 पाउंड होता है, जिसमें से जो बल्क ऑफ शेयर है वो सॉलमन के हैंड में ही होता है। लेकिन कंपनी क्या होती है कि एक साल के अंदर ही लिक्विडेशन में आ जाती है, और उसके जितने भी क्रेडिटर होते हैं वो सॉलमन से ही डेप्ट क्लेम करते हैं कि हमारा जितना भी लॉस हुआ है, चूंकि सॉलमन ही उस कंपनी का होल एंड सोल था और मैक्सिमम जो शेयर्स थे वो सॉलमन के पास ही थे, इसलिए कंपनी और सॉलमन दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, इसलिए कंपनी के लॉस के लिए सॉलमन ही लायबल होगा। अब इस केस का इशू पे आते हैं। पहला इशू ये है कि क्या सॉलमन के द्वारा जो एस्टेब्लिशमेंट किया गया जो कंपनी था वो वाकई में कंपनी था भी या नहीं। दूसरा इशू ये है कि क्या सॉलमन कंपनी के डेब्ट के लिए जिम्मेदार है या नहीं है, यानी कि सॉलमन और कंपनी दोनों एक है या फिर दोनों अलग अलग एंटिटी हैं। अब आते हैं कोर्ट के ऑब्जर्वेशन और डिसीजन पे। कोर्ट कहता है कि अकॉर्डिंग टू लेजिस्लेचर एक इस कंपनी में टोटल 7 मेंबर्स होने चाहिए थे, जबकि इस कंपनी में टोटल 7 मेंबर्स हैं, इसलिए यह एक कंपनी है। दूसरा केस का जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि कंपनी एट लॉ जो है वो डिफरेंट है, और उसके जो सब्सक्राइबर या फिर जो उसके मेंबर है वो डिफरेंट है। यानी सिंपल समझो आप कि कंपनी की एंटिटी अपनी एक अलग है, और उसके सब्सक्राइबर या फिर मेंबर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर उसके एस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति की जो एंटिटी है वो दोनों अलग है, और कंपनी के फॉल्ट के लिए उसका मेंबर को हम लायबल नहीं कर सकते हैं। यानी सिंपल आप समझ सकते हैं कि कंपनी और उसका जो मेंबर है दोनों एक अलग अलग एंटिटी है, और कंपनी कोई भी अगर फॉल्ट करती है, गलती करती है, या फिर उसकी कोई भी अगर उसका एक्शन की वजह से किसी प्रकार का लॉस होता है, तो वो लॉस जो है वो कंपनी का होगा, उसके मेंबर्स का नहीं होगा। तो इस तरह से इस केस में जो एपेक्स कोर्ट होती है वो वेल ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को एस्टेब्लिश करती है। मेन फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।